वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मेरठ से राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने उनके साथ बिताए हुए पलों को याद किया। भावुक होकर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए कहा, नेताजी चाहते थे कि मेरे जैसे 25 विधायक सपा में आएं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आगे कहा कि नेताजी ने मेरठ को बहुत कुछ दिया था और कहा कि मुलायम सिंह का निधन उत्तर प्रदेश की ही नहीं संपूर्ण राष्ट्र की राजनीति की क्षति है। देखिए भावुक हुए लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मुलायम सिंह यादव को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आदरणीय मुलायम सिंह जी का निधन उत्तर प्रदेश नहीं राष्ट्र की राजनीति की भी अपूर्णीय क्षति है। रक्षा मंत्री के रूप में जो उन्होंने अपना कद स्थापित किया था उससे वो राष्ट्रीय राजनीति के नेता बने थे। अखाड़े के पहलवान जरूर थे लेकिन राजनीति के अखाड़े के भी पहलवान उन्होंने अपने को साबित किया। वो लिफ्ट की तरफ गए, मुझे ध्यान आया कि अगर ये आज नहीं हुआ तो कल तो ये कागज बेकार हो जाएगा। तो मैं गया और मैंने उनके हाथ पर हाथ रखे, कागज का भाई साहब ये कागज आज रात का है, कल इसका कोई उपयोग नहीं होगा। तो उन्होंने निकाल के पढ़ा और उनके साथ विशेष सचिव अनीता जी थी, उन्होंने अनीता जी से कहा अनीता हो लिफ्ट में ले गए। और मैंने कहा भाई साथी से मैंने कहा तेरा काम हो या ना हो भगवान जाने, लेकिन मुझे जो करना था मैं कर चुका। 10 बजे रात को लखनऊ में लखनऊ से प्रस्थान करता, मैं स्लीपर क्लास में था, चौथी बोगी थी, गाड़ी चल चुकी थी मेरी बोगी प्लेटफार्म पर थी। मुख्यमंत्री सचिवालय से फोन आया, वाजपेयी जी आपका काम हो गया एनओसी। वो जो मेरे साथी थे मेरे ऊपर बीच वाली बर्थ में थे वो गिर पड़े नीचे खुशी में और उन्होंने भी काम हो गया मेरा। ये था मुलायम सिंह यादव जी का व्यक्तित्व। उन्होंने जिसको हाँ कर दिया उसको ना नहीं करी, मैं चाहे उनको कुछ करना। एक छोटा सा उदाहरण मेरठ का और कार्यकर्ता को और समस्या को पहचानते थे। उन्होंने एक बार विधानसभा में ये कहा था कि बेसिक शिक्षा परिषदों के स्कूल को भी मैं CBSE के पैटर्न पर लाकर यानी कुछ इस प्रकार का बनाना चाहता हूँ कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के बराबरी करके भविष्य की नौकरियों में प्रतिस्पर्धा में भाग ले सके। प्रयास उन्होंने किया, ये ठीक है कि उतनी सफलता उसमें नहीं मिल पाई, लेकिन उनका प्रयास भी ईमानदाराना था, निर्णय भी ईमानदाराना था। समाजवादी आंदोलन के वो पुरोधा थे। आज समाजवादी आंदोलन में उनके जाने के बाद जो रिक्तता, ये धीरे धीरे समाजवादी आंदोलन के पुरोधा अवसान में जा रहे हैं। आज आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद समाजवादी आंदोलन में और विपक्ष की राजनीति में रिक्तता आई है। उनके भाई को रासुका लग गई, मेरा पहला चुनाव था, मैंने कहा चुने जाने के 15 दिन के भीतर रासुका हटवा दूंगा। अब उनकी शपथ हो गई मुख्यमंत्री पद पर, मेरा कुछ हुआ नहीं, विधायक की शपथ नहीं हुई। मैं गया हिम्मत करके पंचम तल पर सचिवालय में NXC में और उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उन्हें बताया 15 मिनट में मेरे बैठे बैठे रासुका रिवोक करने का आदेश मेरे पास आया। इस बीच में उन्होंने मुझसे पूछा वाजपेयी जी चाय या कॉफ़ी, मैंने कहा चल जाएगी देसी क्रॉकरी में, तो कुल्लड़ में कॉफ़ी आ गई। उन्होंने बाद में पूछा मुझसे कि वाजपेयी जी इस कुल्लड़ का कारण क्या, तब तक तो उत्तराखंड नहीं बढ़ा था। तो मैंने कहा मान्यवर 425 ML इसको पहचानने में आपको 1 साल लगेगा, ये कुल्लड़ वाला MLA आज से पहचानोगे और जब मैं आपके सामने आऊँगा आपके आँखों के आगे कुल्लड़ नाचेगा। तो खूब हंसे और मैंने कहा दूसरी बात भी सुन लो, मैंने कहा मेरे मामा हैं। बोले कैसे, मेरे का इटावा मेरी ननिहाल है। तो पूछा किसके यहाँ ननिहाल है, पूरे बिया टोला वाला सब पूछने के बाद इनके साथ जगजीवन जी एक OSD थे, उनको बुलाया कि वाजपेयी की जितने कागज आया करें मुझे अलग से देना। उस दिन के बाद जब तक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे मेरा पैड पूरा अलग से दिया जाता था, अलग से ऑर्डर करते थे, मुझे कभी निराशा हाथ नहीं लगी। ऐसे व्यक्तित्व के प्रति मैं आज नतमस्तक होते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने चरणों में स्थान। कभी ऐसा भी नहीं लगा कि आप विपक्ष के नेता हैं या दूसरी पार्टी में हैं तो? ना ना ना, विपक्ष के नेताओं के प्रति वो और अधिक सहिष्णु थे। तब तो मैं कोई नेता भी नहीं था, पहली बार की मेरी विधायकी थी और सदन में रहकर मैं 30-40% एजेंडा मेरे से भरा जाता था, सरकार के खिलाफ आग उगलने का मेरा काम था।
लेकिन वो प्रतिभा को पहचानते थे और व्यक्ति के द्वारा लाया गया इशू क्या है उसको पहचानते थे और उसका परिणाम था कि कभी मुझे उनसे निराशा नहीं। बता दें, मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। सुबह 8:16 पर 82 साल की उम्र में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने अंतिम सांस ली। मुलायम सिंह यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र में रक्षा मंत्री रहे हैं। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 square feet में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।